नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्निंग कनेक्शन पर, जहां हम पंजाबी भाषा बिल्कुल ही बेसिक लेवल से सीख रहे हैं। पिछले क्लास में हमने सीखा था, एक से लेकर 100 तक पंजाबी के शब्दों में गिनती लिखना सीख लिया था, जिसमें से मैंने आपको ये कुछ जो संख्या है जिनको पंजाबी शब्दों में लिखना था आपको। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। मैं आपको पंजाबी में ही बोल के समझाऊंगी ताकि आपको पंजाबी के शब्द सुनने की भी प्रैक्टिस हो। तो चलो शुरू कर दे। हाँ, सब तो पहले संख्या है 125। एक सौ पच्ची अगला है 240। पांच सौ अस्सी, नौ सौ तीस, छ सौ नब्बे। नब्बे असि बोलते हाँ, नब्बे। 867, 867। जे तुसी ने पिछला वीडियो ध्यान नाल देखिया होएगा ते आप लिख के प्रैक्टिस किया होएगा तो तुहाडे लई ये लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। 549, 549। नड़िन्नवे, नौ सौ नड़िन्नवे। पांच सौ अठाठ, अठाठ, अठाठ। ह जो है साइलेंट हो जाता है। अगला 800, 69, उनहत्तर। तत् पर जोर पड़ा तो अदक राड़ा, उनहत्तर। आई होप तुसी ने अपना होमवर्क बिल्कुल सही सही किया सी, तो तुसी प्लीज अपना मार्क्स कमेंट विच लिख के मैनू जरूर दस्या करो। तो चलो अगे दी क्लास शुरू करते हाँ। अज दे क्लास विच असी पंजाबी विच बोले जाने वाले कॉमन वर्ड्स ते फ्रेजिज बारे सीखेंगे। सब तो पहला असी जे किसी नू बोलना होए पंजाबी दे विच नमस्कार, नमस्ते, सुप्रभात, सुसंध्या, या फिर किसी नू बोलना होवे बाय बोलन ले भी बाय बोलना होवे, जिन्नू असी बोलते हाँ अलविदा। इस सारे वर्ड्स लई पंजाबी च इक्को वर्ड, पंजाबी विच इक्को ही फ्रेज बोली जाती है, सत श्री अकाल। किसी नू नमस्ते बोलना होए बोलो सत श्री अकाल। किसी नू शाम के टाइम नमस्ते बोलना होए या फिर दोपहर टाइम नमस्ते बोलना होए या फिर किसी नू बाय बोलना होए तो असी बोलते हाँ सत श्री अकाल। अगे शुभ रात्रि या रात को गुड नाइट बोलना होए तो पंजाबी विच गुड नाइट ही बोलिया जाता है। अगे फिर मिलेंगे या गुड बाय बोलन वास्ते पंजाबी जे कहेंगे असि फिर मिलेंगे, फिर मिलांगा, फिर मिलेंगे। हाँ नू कहते हैं आहो या हाँ जी। आहो शब्द नॉर्मल किसी से बात करने के लिए यूज कर सकते हो, जैसे बराबर में बोलना हो या फिर घर में कैजुअल आप बोल रहे हो। फॉर्मल हाँ जी ही बोलना सही रहता है। यस के लिए आहो या हाँ जी बोलेंगे। नहीं वास्ते नहीं या ना भी कह सकता, ना मैं नहीं कम करना है, नहीं मैनू नहीं आता है, मुझे ये काम नहीं आता है बोलने के लिए, नहीं मैनू ये काम नहीं आता है कह सकते हाँ। अगे धन्यवाद नू पंजाबी च धन्नवाद कहेंगे, धन्नवाद। ठीक है नू कहेंगे ठीक आ या फिर हाँ जी। कोई गल मान लो मैंने कोई बात आपको समझाया तो आप बोलोगे ठीक है, तो उसको पंजाबी में कहेंगे ठीक आ या फिर
हाँ जी कृपया तो पंजाबी च कृपा या प्लीज दोवें भी कह सकते। हाँ कृपा तुसी मेरा काम कर दो, प्लीज तुसी मेरा काम कर दो। जैसे अगर आपको पापा से परमिशन लेना है दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए तो उसे बोल सकते हो पापा प्लीज मैनू बाहर जाने की परमिशन दे दो, या फिर कृपया करके पापा मैनू बाहर जाने की परमिशन दे दो, इस तरह बोल सकते हाँ। इस तरह असी ने अज ये 8 फ्रेजिज़ के वर्ड सीखा है जिन्होंने असी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हाँ। अगे देखो इतने लिखा माफ कीजिएगा, माफ कीजिए को पंजाबी में बोलेंगे माफ करियो, माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो नु कहेंगे मैनू माफ करो, जिन्हों इंग्लिश च कहते हाँ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी नु पंजाबी च कहते हाँ मैनू माफ करो। मेरे पास है या फिर मेरे पास नहीं है इसनों पंजाबी च कहेंगे मेरे कोल है, मीन्स पास नु कोल कहेंगे, पास मीन्स कोल, मेरे पास है मेरे कोल है, मेरे कोल है भी बोल सकते हो तुसी गलत नहीं होएगा, मेरे कोल हैगा भी बोल सकते हो, मेरे पास नहीं है मेरे कोल नहीं है या फिर मेरे कोल नहीं हैगा। हमारे पास है साडे कोल है, मीन्स हमारे नू पंजाबी से कहोंगे साडे, साडे हमारे पास नहीं है साडे कोल नहीं हैगा, साडे कोल नहीं है या साडे कोल नहीं हैगा। उसके पास है इसनों पंजाबी च कहेंगे उस दे कोल हैगा या फिर ओदे कोल है, इसनों उस दे ते ओदे भी बोल सकते हैं। कई बार पंजाबी दे विच उस दे पूरा ना बोल के ओदे भी बोलते हैं ऐसे उसके के लिए। यहाँ पर है, यहाँ पर को बोलेंगे एथे है, एथे नू इथे भी बोलते हैं कई बार, इथे है इथे या फिर एथे है, इथे नहीं है इथे है। कोई सामान जो मान लो कहना हो कि हाँ ये सामान यहाँ पे पड़ा है, इसको बोलेंगे यह सामान इथे पे आया है, कहाँ है किथे है या फिर किथे हैगा, इस तरह तुसी बोल सकते हो। अज लिए बस इन्ना ही, तुसी इन्ना सेंटेंसेस नू अपनी नोटबुक ते लिखो ताकि तुहानू लिखण दी भी प्रैक्टिस होवे, नाल तुसी इहनू 3 तो 4 बार 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 पढ़ पढ़ के लिख बोल बोल के भी प्रैक्टिस करो ता जो तुहानू यह सारे शब्द याद हो जाए। आगे आप होमवर्क में करके लाएंगे मेरा परिचय, जिसको इंग्लिश में माई सेल्फ भी कहते हैं, जिसे पंजाबी में बोलेंगे मेरी पहचान या फिर मेरी पहचान। पहचान को पंजाबी में पहचान कहते हैं, आप पहचान भी लिख सकते हैं गलत नहीं होगा, लेकिन शुद्ध पंजाबी में हम मेरी पहचान भी कहेंगे। ठीक है तो इस पे आप मैक्सिमम 5 to 6 या 10 लाइंस लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। आप मेरी पहचान पर जैसे मेरा नाम, अपने बारे में, अपनी हॉबीज, अपने बारे में, ये आप पंजाबी में लिखेंगे। ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और पढ़ाया हुआ सब समझ भी आ रहा है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो पंजाबी भाषा पढ़ना और लिखना सीखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।